नीलम बहू, तेरा दहेज तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरे छोटे से घर में मैं इस सामान को कहाँ रखूंगी। कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो ही जाएगा मम्मी जी, आप बेवजह ही परेशान हो रही हैं, और शादी के बाद तो हर लड़की थोड़ा बहुत सामान अपने मायके से लेकर आती ही है। बिल्कुल गए गुजरे ही होते होंगे उनके माँ बाप जो अपनी बेटी को चार सूटों में ही विदा कर देते हैं। जेठानी जी, किसी के भी माँ बाप गए गुजरे नहीं होते, बस हालातों की बात होती है। आपने अगर कभी गरीबी देखी नहीं है तो आपको कोई हक नहीं है गरीब लोगों को कुछ भी बोलने का। मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं लिया जो तुम इतनी जल रही हो, लगता है तुम्हारे माँ बाप भी उन्हीं में से एक हैं। आपका मतलब क्या है? अरे क्या ये तुम दोनों के गृह प्रवेश होते ही बहस शुरू कर दी? ऐसे कौन करता है? कोई कितना भी सामान लाया हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस अपने घर में बहू लेकर आई हूँ। मेरे घर में दो दो लक्ष्मी आई हैं, तो मुझे और क्या चाहिए। चलो अब तुम दोनों कपड़े बदल कर सो जाओ, वैसे भी तुम थक गई होगी ना। अनुपमा की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी ने अपनी बहस को खत्म किया और वो दोनों ही अपने कपड़े चेंज करके आराम करने लगी। ऐसे ही अगले दिन दोनों बहुओं की पहली रसोई हुई। बहुओं, मुझसे जितना हो सकता था उतना राशन मैंने मंगवा दिया, अब ये तुम देखो कि तुम्हें बनाना क्या है। मैं तो अपने मायके से हलवा सीख कर आई हूँ, मैं तो सभी के लिए हलवा बनाऊंगी। अच्छा, और तू अक्षरा बहू? माँ जी, मुझे तो काफी कुछ बनाना आता है, आप जो कहेंगी मैं वही बना दूंगी। गरीब घर की लड़कियों और करती भी क्या है, या तो अपने या दूसरों के घर में खाना बनाने का ही काम होता है। नीलम भाभी, आपकी परेशानी क्या है? क्या खाना बनाने में भी कुछ अमीर या गरीब जैसा है? चुप करो तुम दोनों। नीलम, तू क्यों बेवजह ही बहू से चिढ़ रही है? तुम दोनों जो थी अपने मायके में थी, यहाँ तुम दोनों ही एक बराबर हो और मेरी बहू हो, इसलिए ये बहसबाजी करना छोड़ दो। अनुपमा के बोलने पर वो भी फिर से शांत हो गई, लेकिन दोनों देवरानी जेठानी में खिटपिट तो चलती ही रहती थी। दोनों देवरानी जेठानी एक कमरे के ससुराल में बड़े ही मुश्किल से गुजारा कर रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और साथ ही दोनों बहुएं गर्भवती हो गई और एक साथ उन्होंने एक लड़के और एक लड़की को जन्म दिया। देखते ही देखते बच्चे भी 5-5 साल के हो गए, लेकिन दोनों देवरानी और जेठानी के रिश्ते में कुछ भी नहीं बदला था। एक कमरे में और भी सदस्य बढ़ जाने की वजह से अब उन्हें परेशानी भी होने लगी थी। राज बेटा, क्या हुआ? माँ, मुझे इस रिया ने मारा। क्यों रिया, बहुत हाथ चलते हैं तेरे, रुक तुझे बताती हूँ। जेठानी जी, क्यों डांट रही हैं आप मेरी बेटी को? देवरानी जी, अपनी बच्ची को समझा लो, ये मेरे राजा पर ज्यादा हाथ ना उठाया करे, वरना किसी दिन मैं इसकी अकल को ठिकाने लगा दूंगी। आपका बेटा भी कम नहीं है, जब इसे मौका मिलता है तो ये मेरे रिया को मारने से नहीं चूकता, और ये आप भी जानती हो। क्या बच्चों की वजह से दोनों लड़ रही हो? बच्चों की बात है, अभी लड़ रहे हैं, अभी कुछ देर बाद खेलने लग जाएंगे। तुम तो कम से कम मत लड़ो। मैं इसे एक कमरे के घर में ना तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है, यही सब कुछ बस एक कमरे में ही है, ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। हम भी इसी कमरे में ही रहते हैं। तुम जैसे भिखारियों को तो आदत होती है ऐसी जगहों में रहने की। नीलम ऐसे बोलती हुई अपने बेटे को गोद में उठाकर परे को जाकर बैठ गई। अक्षरा अपनी सास की वजह से उससे कुछ नहीं बोली, गर्मी बहुत ज्यादा थी। दोनों देवरानी जेठानी उसी एक कमरे में खाना बना रही थी, वहीं बच्चे खेल रहे थे और सर पर बस एक छोटा सा पंखा चल रहा था। हाँ, इस गर्मी ने तो हालत पतली कर दी है, आने दो आज अंकित जी को, उनसे बात करती हूँ। नीलम अंकित के आने का इंतजार करने लगी। रात को जब वो घर आया तब उसने उससे बात की। देखो अंकित, मेरे बस की नहीं है अब और इस घर में रहना, मैं 5-6 साल यहाँ गुजार चुकी हूँ, लेकिन इस एक कमरे में इतने सारे लोग रहते हैं, ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है कि मेरी तो हालत यहाँ खराब होकर रह जाती है। तुम कुछ इंतजाम करो और हम यहाँ से कहीं और रहने चलेंगे। ठीक है जान, मैं इस बारे में माँ से बात करूंगा। अंकित नीलम की सारी बातें मानता था, वो उसकी इस बात पर भी राजी हो गया, लेकिन जब उसने अनुपमा से इस बारे में बात की तो उसने साफ साफ मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, अभी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम में से कोई भी भाई अलग नहीं होगा, समझ आया? ठीक है माँ, जैसा आप कहें। अंकित ने ये बात नीलम को भी बता दी। नीलम को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। ये माची भी ना जाने क्या करना चाहती हैं। ठीक है, अगर इनको मुझे अलग नहीं करना है तो ना करें, अब देखो मैं क्या करूंगी। नीलम ने गुस्से में अपने बाप को फोन मिलाया और गर्मी से राहत के लिए उसने एक AC मंगवा लिया। AC को देखकर अक्षरा भी मन ही मन खुश होने लगी। चलो अच्छा है AC आ गया, भले ही जेठानी जी थोड़ी सी टेरी हैं,
लेकिन इनकी बदौलत पूरा घर ठंडा रह सकेगा। अक्षरा भी खुश हो ही रही थी कि तभी नीलम ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। उसने अपनी जगह में एसी लगवाकर उसकी कूलिंग को पूरे कमरे में फैलने से रोकने के लिए वहां पर पर्दा डलवा दिया। अब बिल्कुल ठीक है, कम से कम मेरे एसी की ठंडक किसी ऐरे गेरे को तो नहीं लगेगी। बहू, किसको ऐरा गेरा बोल रही है? माँ जी रिलैक्स, आपको नहीं बोला है, आप चाहे तो मेरी तरफ आकर सो सकती हैं। नहीं बहू, तू ही सो अपने बच्चे और पति के साथ, हम यहीं ठीक हैं। अनुपमा ऐसे बोलकर पीछे हट गई। रात को जेठानी आराम से एसी की कूलिंग में सो रही थी और देवरानी, उसकी बेटी, पति, सास और ससुर सभी पंखे में सो रहे थे। गर्मी बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से उन सभी को नींद नहीं आ रही थी। अक्षरा को अपनी जेठानी का ये बर्ताव बहुत बुरा लगा, इसलिए उसने एक चालाकी की और पर्दे को खींच कर गिरा दिया ताकि थोड़ी ठंडक उन्हें मिल सके। लेकिन ये क्या बदतमीजी है, किसने किया है ये? अंकित जल्दी से उठो और पर्दे को अच्छे से लगाओ। स्टूपिड पीपल्स। नीलम ऐसे बोलती हुई लेट गई। अंकित पूरा जोरू का गुलाम था, उसने नीलम के बोलने पर उस पर्दे को अच्छे से लगा दिया ताकि वो खींचने से भी ना गिर सके। अब जेठानी तो आराम से अपने पति और बेटे के साथ एसी में सोती थी और देवरानी बेचारी पंखे में। गर्मी बहुत ज्यादा थी और इतने सारे लोगों के पंखे में सोने की वजह से उसकी हवा भी गर्म ही लगती थी। ऐसे ही लगभग एक महीने तक चलता रहा, लेकिन अब लगातार ऐसे ही सोने की वजह से एक रोज अनुपमा, रिया और अक्षरा की तबीयत खराब हो गई। पूरे दिन उन्होंने कोई काम नहीं किया और नीलम ने भी उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। शाम को जब गौतम घर आया। मैं घर आ गया। अरे माँ, अक्षरा, रिया, क्या हुआ आपको? न जाने क्या हो गया है गौतम जी, सुबह से हिला भी नहीं जा रहा है। अगर ये बात थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मैं जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता हूँ। गौतम ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। अंकित भी घर में आ चुका था। बहुत गर्मी की वजह से इनकी ये हालत हुई है, अगर इन्हें इतनी ही गर्मी झेलनी पड़ी तो इनकी जान पर बन सकती है। क्या? डॉक्टर की बात सुनकर गौतम परेशान हो गया। वो गरीब था, उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने घर की गर्मी को कैसे कम करे। आओ राज बेटा, सोने चलते हैं। नीलम ऐसे बोलकर अपना पर्दा गिराकर लेट गई। अब उसकी इस हरकत पर अंकित को गुस्सा आया और उसने गुस्से में पर्दा तोड़ दिया। क्या हुआ? नीलम, कम से कम अब तो थोड़ी सी इंसानियत दिखाओ, मुझे तो तुमने अंधा किया ही हुआ था, लेकिन अब तुम और मेरी आंखों पर पट्टी नहीं रख सकती हो। कहना क्या चाहती हो? अभी बताता हूँ, समझ आया? तुमने मुझे मारा? हाँ मारा, क्योंकि तुम इसी लायक हो। यहाँ मेरा भाई परेशान है, मेरी माँ, भाभी और भतीजी सभी मौत के मुंह में हैं, और अब भी तुम अपने घमंड को आगे रखते हुए अकेले ही एसी के मजे ले रही हो। सुना था नारी का दिल बहुत कोमल होता है, लेकिन तुम तो पत्थर से भी सख्त हो। मैंने गलती कर दी जो तुम्हें अपने घर ले आया। जाओ, चली जाओ मेरी जिंदगी से और मेरे घर से। जो मेरी माँ की नहीं हो सकती, मैं उसे अपनी पत्नी बनाकर नहीं रखूंगा। अंकित की बात सुनकर नीलम घबरा गई और रोते हुए बोली, ना, नहीं नहीं अंकित, तुम मुझे ऐसे घर से नहीं निकाल सकते हो। तुम चाहते हो कि मैं अपना एसी सभी के साथ शेयर करूं तो मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे घर से मत निकालना। मैं माफी चाहती हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। नीलम के बहुत बोलने पर अंकित ने उसे माफ कर दिया। फिर क्या था, इस दिन के बाद नीलम को अकल आ चुकी थी। उसने फिर कभी अपनी किसी भी चीज पर सियानापना नहीं दिखाया। एसी की ठंडक में अक्षरा, अनुपमा और रिया भी ठीक हो गई थी। अब सभी घर में मिलजुल कर रहते थे।